आज राजस्थान के शासन सचिवालय में आग लग गई और आग वहां पर लगी जहां मुख्यमंत्री का स्टाफ बैठता है, मुख्यमंत्री की सोशल मीडिया टीम चलाने वाले लोग बैठे हैं। राजस्थान पिछले 6-8 महीनों से जानता है कि राजस्थान में एक कंपनी डिजाइन बॉक्स, जिसको राजस्थान से लूटा हुआ सैकड़ों करोड़ रुपया मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है अपनी छवि को चमकाने के लिए, जो छवि राजस्थान में खराब हो चुकी है उसको चमकाने के लिए मुख्यमंत्री जी की ओर से पैसा दिया गया है। ये जो राजस्थान में 25 नवंबर को सरकार बदलने वाली है, तो उससे पहले सबूत मिटाने की जो साजिश चल रही है उसी के तहत ये आग लगाई गई है। हमारा स्पष्ट आरोप है ये आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है। राजस्थान के चुनाव आयोग को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वहां पहुंचकर सबूत जुटाने चाहिए और राज्य की जो एजेंसियां हैं उनके भरोसे ना छोड़कर बल्कि चुनाव आयोग को खुद के स्तर पर इसके मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। संभावित चुनावी हार जो कि 25 नवंबर को कांग्रेस की होने वाली है, उसके बाद की जो स्थितियां बनेगी पता लगेगा कि जो लूट राजस्थान से की है उसका हिसाब निकल के आने वाला है। उस हिसाब को और उस भ्रष्टाचार के सबूत को मिटाने के लिए यह आग लगाई गई है।